हेलो, आज हम पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर होमोजेनियस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पार्शियल डेरिवेटिव का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में पढ़ा था और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व की थी। अभी हम होमोजेनियस फंक्शन के बारे में, आप सभी जानते हैं कि होमोजेनियस फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसकी हर टर्म में, अगर वो दो वेरिएबल का फंक्शन है तो दोनों वेरिएबल की पावर्स का जो सम है वो सेम होता है। जैसे कि यहाँ हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, फर्स्ट टर्म है ए जीरो एक्सेस टू एन प्लस ए वन एक्सेस टू एन माइनस वन वाई प्लस ए टू एक्सेस टू एन माइनस टू वाई स्क्वायर प्लस प्लस एंड सो ऑन ए एन वाई एन। अब इसमें देखते हैं ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए एन, ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। जो हमारा फंक्शन है वो दो वेरिएबल का फंक्शन है, एक्स एन वाई का। तो यहाँ हम देखेंगे एक्सेस टू एन एंड वाई की पावर जीरो भी लिख सकते थे अपन, तो एन प्लस जीरो एन हो जाएगा। यहाँ एक्स की पावर एन माइनस वन और वाई की पावर ये वन है तो एन हो गया। एक्सेस टू एन माइनस टू वाई टू, तो दोनों का सम हमारा एन हो गया। इसी तरह ए थ्री एक्स एन माइनस थ्री वाई रेस टू थ्री, तो सम एन हो गया। और यहाँ ए एन वाई एन मीन्स वाई की पावर एन और एक्स की पावर जीरो, चाहो तो यहाँ पर एक्स की पावर जीरो लिख सकते हैं। तो ये हो गया nth डिग्री वाला फंक्शन, होम nth डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस मतलब जिसकी हर टर्म में वेरिएबल की डिग्री जो है वो एन है, मीन्स एक्स और वाई की जो घात है वो सब में सेम है। और यहाँ पर वो सेम कितनी है, एन है, इसलिए ये फंक्शन एक्स फंक्शन ऑफ एक्स वाई क्या कहलाएगा, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन। इसको हम वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और एक्स अपॉन वाई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसमें से एक्स की पावर एन को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आ गया ए जीरो प्लस यहाँ आ गया ए वन, एक्सेस टू एन कॉमन है तो वाई अपॉन एक्स, यहाँ ए टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर वाई अपॉन एक्सेस टू एन। तो ये जो फंक्शन ब्रैकेट के अंदर है पूरा, जिसमें यहाँ पर अपन वाई अपॉन एक्स की पावर जीरो भी लिख सकते थे जो कि वन के बराबर ही होगी, तो ये क्या हो गया, ए जीरो प्लस ए वन वाई अपॉन एक्स वाई अपॉन एक्स वाई अपॉन एक्स मीन्स फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स, यहाँ एक्सेस टू एन कॉमन ले लिया। इसकी जगह अपन इसी फंक्शन के अंदर वाई की पावर एन को भी कॉमन ले सकते थे। तो अगर अपन वाई की पावर एन को कॉमन ले लेते तो यहाँ एक्सेस टू एन की जगह वाई की पावर एन आ जाती। फिर ए जीरो एक्स अपॉन, जैसे यहाँ पर अपन एक्सेस टू एन को कॉमन लिया है तो ये फंक्शन हमारा वाई अपॉन एक्स का बन गया है। अब अगर हम इसमें से इस पूरी टर्म में से वायरस टू एन को कॉमन ले लेते हैं तो वायरस टू एन कॉमन आ गया, फिर एक्स अपॉन वाई की पावर एन आ जाएगी, यहाँ एक्स अपॉन वाई की पावर एन माइनस वन आ जाएगी, यहाँ एक्स अपॉन वाई की पावर एन माइनस टू आ जाएगी, प्लस यहाँ लास्ट में ए एन रह जाएगा। तो ये जो फंक्शन बनेगा वो एक्स अपॉन वाई का फंक्शन बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई रेस टू एन एंड फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन वाई इंस्टीड ऑफ वाई अपॉन एक्स। तो ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन है। इसकी एक थ्योरम है, बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है, जो कि हमारी यूलर्स थ्योरम कहलाती है, यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि इफ जेड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई बी ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री एन, देन एक्स डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा एक्स प्लस वाई डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू एन जेड के होगा। मीन्स ये तीन वेरिएबल का फंक्शन है एक्स वाई जेड, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये तभी होगा जबकि ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन होगा। अगर जेड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई होमोजीनियस नहीं है तो ये प्रूव नहीं कर सकते हम। तब हम यहाँ देखेंगे जेड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई है,
इसको हमने जेड इज इक्वल टू एक्स टू एन फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स के फॉर्म में लिखा है, जो कि अभी अपन होमोजेनियस फंक्शन की डेफिनेशन में देख चुके हैं। अब इसको हमने पार्शियली डिफरेंशिएट किया डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा एक्स। ये लास्ट वीडियो में अपन ने देख लिया था कि अगर फंक्शन हमारा इस तरह का है जेड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो जब हम डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा एक्स निकालते हैं तब वहां हम वाई को कॉन्स्टेंट मान के चलते हैं। तो ये हमारा जेड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई क्या है, हमारा एक्स इज टू एन एंड फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स। तो डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा एक्स में एक्स इज टू एन को डिफरेंशिएट किया, वो आ गया एन एक्स एन माइनस वन फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स इज टू एन को एज इट इज लिख दिया, एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स है एफ डैश वाई अपॉन एक्स हो गया। और चूंकि हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वाई अपॉन एक्स का माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। इसको थोड़ा सा अरेंज किया और मल्टीप्लाई किया बाय एक्स, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर एक्स डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा एक्स चाहिए। तो यहाँ एक्स डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा एक्स आ गया एन एक्स एन एफ वाई फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स, फिर यहाँ माइनस इसको हमने यहाँ बाहर ले लिया और यहाँ एन एक्स इज टू एन है, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एन माइनस टू हो जाएगा। इस एक एक्स से अपन यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्स इज टू एन माइनस वन, ये साथ में वाई आ गया और ये एफ डैश वाई अपॉन एक्स आ गया। इसी तरह हम इस फंक्शन का पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो उसको हम कहेंगे डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा वाई। तो एक्स इज टू एन कॉन्स्टेंट है, जब हम वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक्स को हम कॉन्स्टेंट मानेंगे, तो यहाँ एक्स इज टू एन आ जाएगा, फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स का एफ डैश हो जाएगा और वाई अपॉन एक्स का वन अपॉन एक्स हो जाएगा। तो ये आ गया एक्स इज टू एन माइनस वन एफ डैश वाई अपॉन एक्स। इसको हमने वाई से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया वाई एक्स एन माइनस वन एफ डैश वाई अपॉन एक्स। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया और सिंप्लीफाई करा तो हमारे पास आ गया एन जेड। तो ये हमने देखा कि होमोजेनियस फंक्शन की यूलर्स थ्योरम का स्टैंडर्ड रिजल्ट है एक्स डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा एक्स प्लस वाई डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू एन जेड। अब इसमें अगर हमारा हमारी जो ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई है ये डिग्री एन की नहीं होके मान लो सेकेंड डिग्री की है, जैसे कि जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री टू। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा टू जेड। जब हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे और यूलर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए जो यूलर्स थ्योरम आएगी वो आएगी एक्स डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा एक्स प्लस वाई डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू टू जेड। ये आप लोग इसको सॉल्व करिए। इसका जनरलाइजेशन है कि अगर एफ इज अ फंक्शन ऑफ एम वेरिएबल, जैसे यहाँ पर जेड इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है, वैसे अगर एम वेरिएबल का फंक्शन है तो इसी को जनरलाइज किया है एक्स वन डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स वन, जैसे यहाँ एक्स डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा एक्स किया प्लस एक्स टू डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स टू वाई डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा वाई किया है, और एन वेरिएबल हो गया तो एक्स थ्री डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स थ्री एंड एक्स एम डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स एम तो इज इक्वल टू एन एफ के होगा, जैसे कि यहाँ ये एन जेड के बराबर है। तो एन क्या हुई, इस फंक्शन की डिग्री, और ये हमारा जनरलाइजेशन हुआ। अब इसमें एक और है कि अगर x डेल टू एफ अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल टू एफ अपॉन डेल्टा एक्स वाई इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स, तो ये डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर अपन लास्ट वीडियो में निकाल चुके हैं, सेकेंड ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव हमने निकाला है। तो जब हम इसी इक्वेशन में ये अप्लाई करेंगे तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा। ये हमें दे रखा है यूलर्स थ्योरम से, इसको हमने एक बार और पार्शियली डिफरेंशिएट किया तो x डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स था गया x डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का वन डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स, y कांस्टेंट है तो y को ऐसे कैसे लिख दिया और डेल टू एफ डेल एक्स डेल वाई आ गया, और एन एफ है
इज इक्वल टू तो एन डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स आ गया। अब ये डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स इधर आ गया तो एन माइनस वन हो गया ये, और ये रिजल्ट हमको मिल गया। इसी तरह हम y के रेस्पेक्ट में भी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास दूसरा रिजल्ट आ जाएगा। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं ये y के लिए भी आ गया हमारा, और अब हम फर्स्ट वाले को x से और सेकंड वाले को y से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर डेल टू एफ डेल वाई स्क्वायर, यहाँ पर ये डेल एक्स होगा, डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डेल टू एफ डेल एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू एफ वाई डेल वाई स्क्वायर, और राइट हैंड साइड को भी ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ गया एन इंटू एन माइनस वन इंटू एफ। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, इफ यू इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाई प्लस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, तो हमें प्रूव करना है कि ये x डेल यू बाय डेल x प्लस y डेल यू बाय डेल y जीरो के बराबर होगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारी यूलर्स थ्योरम है उस हिसाब से अगर ये जीरो आ रहा है इसका मतलब ये जीरो डिग्री का फंक्शन है। मीन जैसे हमने कॉमन जो x इज टू n लिया था वो x इज टू जीरो है जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो हम ये u है इसको v मान लेते हैं और इसको w मान लेते हैं, तो u इज इक्वल टू वी प्लस डब्ल्यू हो गया। अब v हमारे एक फंक्शन हो गया साइन इनवर्स x अपॉन y, तो इसके लिए हमने यूलर्स थ्योरम अप्लाई करी, टेन इनवर्स y अपॉन x के लिए हमने यूलर्स थ्योरम अप्लाई करी, x डेल यू बाय डेल x y डेल यू बाय डेल y इज अ यहाँ से ये सम ऑफ इन दोनों के होगा, और ये हम देख रहे हैं कि ये साइन इनवर्स x अपॉन y है, यहाँ कोई भी x का फंक्शन नहीं है, यहाँ कोई भी y का फंक्शन नहीं है, तो ये जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, ये इस तरह प्रूव होगा। जैसे अभी हमने होमोजीनियस फंक्शन पढ़ा है वैसे ही ये हमारा कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन में क्या है, इफ u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x y इज अ फंक्शन ऑफ द वेरिएबल x एंड y, जहां की x और y दोनों अलग अलग किसी तीसरे वेरिएबल t के फंक्शन हो, u x y का फंक्शन है और x अलग से t का फंक्शन है और y अलग से t का फंक्शन है, तो u t का कंपोजिट फंक्शन कहलाता है। और इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और यहाँ u को x के रिस्पेक्ट में, और ये u इज इक्वल टू एफ ऑफ t हम इस तरह निकालते हैं। अब अगर यहाँ पर ये t के फंक्शन की जगह x अलग से t की जगह t1 और t2 दो का फंक्शन हो, y भी है t की जगह t1 और t2 का फंक्शन हो, तो u विल बी u जो है हमारा वो कंपोजिट फंक्शन ऑफ t1 एंड t2 कहलाएगा। या आप टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे हम, कि यहाँ जो हमारी अगर x t का फंक्शन है और y भी t का फंक्शन है तो हम u में x की जगह t फंक्शन ऑफ t और y की जगह जो भी t का फंक्शन है वो हम यहाँ लिख के इसको u को t का फंक्शन बना लेंगे, और फिर इसको जैसे हमारा कंप्लीट डिफरेंशिएशन होता है du by dt वो निकाल लेंगे, तो ये जो du by dt होगा वो टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ t कहलाएगा। इसी तरह इम्प्लिसिट फंक्शन है जो मैंने पहले भी बताया था कि अगर हमारा फंक्शन x इज इक्वल टू जीरो है इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, एंड हम ना तो x को एज अ फंक्शन ऑफ y रख सकते हैं ना ही हम y को x के रूप में रख सकते हैं, मतलब हम x और y को अगर अलग अलग नहीं कर सकते तो वो हमारा कहलाता है इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इसका जो जब हमने यहाँ पर जो हमारा था कि x इज अ फंक्शन ऑफ t तो हम यहाँ डेल u बाय डेल x या du बाय dx निकाल लेते थे, या हम dy बाय dt निकाल लेते हैं, या हम डेल u बाय डेल x निकाल लेते हैं, लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन में हम कैसे निकालेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव, तो यहाँ है फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू c, तो डिफाइन y एज अ डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x इफ द रिलेशन डिफाइंस y एज अ डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x देन
डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू इसके होगा प्रोवाइडेड डेल एफ बाय डेल वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो. मीन्स हमने यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डेल एफ बाय डेल एक्स आया प्लस डेल एफ बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स बाय डी एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स. क्यों? क्योंकि डिफाइंस वाई एज अ डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ एक्स, तो हम डी वाई बाय डी एक्स निकाल सकते हैं. उससे हमारी डी वाई बाय डी एक्स की ये वैल्यू आ गई. फिर हमने इसी से डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर निकाला, तो डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर वही यू अपॉन वी फंक्शन से निकाला, तो हमें यहाँ पर मिल गया डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्यू स्क्वायर आर, ये डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर है, माइनस क्यू स्क्वायर आर माइनस टू पी क्यू एस प्लस पी स्क्वायर टी डिवाइड बाय क्यू क्यूब, जहाँ की पी डेल एफ बाय डेल एक्स है, क्यू डेल एफ बाय डेल वाई है, आर डेल टू एफ बाय डेल एक्स स्क्वायर है, टी डेल टू एफ बाय डेल वाई स्क्वायर है और एस डेल टू एफ बाय डेल एक्स डेल वाई है. इसकी पीडीएफ मैं व्हाट्सएप कर रही हूँ, आप लोग पीडीएफ जरूर देखिएगा.